हेलो दोस्तों, मैं हूँ विष्णु। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल आइडियल ओपिनियन में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कंजक्टाइवा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कंजक्टाइवा क्या होता है? द कंजक्टाइवा इज ए ट्रांसल्यूसेंट म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है जिसके आर पार देखा जा सकता है। विच लाइन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द आईलिड, ये आईलिड के पीछे एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द आई बॉल के आगे पाया जाता है। पिक्चर की सहायता से, इट स्ट्रेच फ्रॉम द लिड मार्जिन टू द लिम्बस, ये शुरू होता है लिड मार्जिन से, शुरू होता है यहाँ से और कहाँ तक जाता है? लिम्बस तक जाता है, यानी लिड मार्जिन टू लिम्बस तक ये फैला हुआ होता है। पार्ट ऑफ कंजक्टाइवा, इसके तीन पार्ट होते हैं, पेब्रल कंजक्टाइवा, बल्बर कंजक्टाइवा एंड कंजक्टाइवल फॉरनिक्स। अब पल्पर कंजक्टाइवा के भी टाइप होते हैं, जैसे मार्जिनल कंजक्टाइवा, टार्सल कंजक्टाइवा एंड ऑर्बिटल कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवल फॉरनिक्स कितने तरीके के होते हैं? चार। एक होता है सुपीरियर फॉरनिक्स, एक होता है इन्फीरियर फॉरनिक्स एंड लेटरल एंड मीडियल फॉरनिक्स। इसको एक पिक्चर की सहायता से समझते हैं। बल्बर कंजक्टाइवा जो होता है, जो स्क्लेरल पार्ट पे देखिए यहाँ पे है, पेब्रल कंजक्टाइवा यानी पलकों के नीचे जो होता है, और बल्बर कंजक्टाइवा और जो आपका पल्पेब्रल है, दोनों का जहाँ जंक्शन होता है ये पॉइंट, यहाँ पे क्या होता है? कंजक्टाइवल फॉरनिक्स। ये कई तरीके का है तो बताया हमने, सुपीरियर, इन्फीरियर, लेटरल एंड मीडियल होता है। पल्पेब्रल, बल्बर एंड आता है कंजक्टाइवल फॉरनिक्स। ये तीन पार्ट थे इसके। इट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथीलियम एंड लाइन्स द लिड, ये लिड के नीचे पाया जाता है और किसका बना होता है? स्क्वैमस इपिथीलियम सेल का बना होता है। ये कई तरीके का था, जैसे मार्जिनल था और टार्सल कंजक्टाइवा एंड ऑर्बिटल कंजक्टाइवा। ये क्या होता है? मार्जिनल क्या होता है? इट एक्सटेंड फ्रॉम द लिड मार्जिन टू अबाउट 2 mm ऑन द बैक ऑफ लिड, लिड के 2 mm पीछे तक ये पाया जाता है लिड मार्जिन से। लिड मार्जिन से शुरू होता है और 2 mm तक जाता है। फिर आता है टार्सल, इट इज अ थिन, ट्रांसपेरेंट एंड हाईली वेस्कुलर होता है। नेक्स्ट आता है ऑर्बिटल पार्ट ऑफ पल्पेब्रल कंजक्टाइव, लाइज लूज बिटवीन द टार्सल प्लेट एंड फॉरनिक्स, यानी जो टार्सल प्लेट एंड फॉरनिक्स के बीच में पाया जाता है। इसके बाद आता है बल्बर कंजक्टाइवा, यह किसका बना होता है? स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर इपिथीलियम का बना होता है। किसका था? स्क्वामस इपिथीलियम का। बल्बर कंजक्टाइवा जो होता है वो किसका बना होता है? कोलुमनर इपिथीलियम सेल का बना होता है। ये कैसा होता है? इट इज थिन, ट्रांसपेरेंट एंड लाई लूज ओवर द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर एंड दस कैन बी मूव्ड इजली, इसको हम आसानी से मूव करा सकते हैं। इट इज थिन, ट्रांसपेरेंट एंड ये थिन होता है, पतला होता है, ट्रांसपेरेंट होता है एंड लाइज लूज ओवर द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर, ये किसी के ऊपर हम ओवरलाई करा सकते हैं। दस कैन बी मूव इजली, इस प्रकार ये आसानी से मूव करते रहता है। आगे नेक्स्ट आता है, इट अटैच फेयरली 1 mm पोस्टीरियर टू स्क्लेरो कॉर्नियल लिम्बस, यानी ये 1 mm जो लिम्बस का होता है, इसके स्क्लेरो कॉर्नियल लिम्बस होता है, स्क्लेरा की साइड जो होता है वो उसके क्या होता है? अटैच होता है। नेक्स्ट आता है, ए 3 mm रिज ऑफ बल्बर कंजक्टाइवा अराउंड द कॉर्निया लिम्बर कंजक्टाइवा, कॉर्निया के चारों तरफ जो बल्बर कंजक्टाइवा 3 mm का होता है, दैट इज उसे क्या कहते हैं? लिम्बल कंजक्टाइवा कहते हैं। इसके बाद आता है कंजक्टाइवल फॉरनिक्स, इट ज्वाइन द बल्बर कंजक्टाइवा विद द पल्पेब्रल, बल्बर और पल्पेब्रल कंजक्टाइवा का जहाँ ज्वाइंट होता है दैट इज कॉल्ड कंजक्टाइवल फॉरनिक्स। इट इज़ ए कंटिन्यूस सर्कुलर कॉल्ड ए सैक होता है विच इज ब्रोकन ओनली द मीडियल कॉर्निकल एंड प्लीका सेमी लुनैरिस। कंजक्टाइवल फॉरनिक्स फिर डिवाइडेड होता है सुपीरियर, इन्फीरियर फॉरनिक्स एंड लेटरल फॉरनिक्स एंड मीडियल फॉरनिक्स। सुपीरियर फॉरनिक्स क्या होता है? इट एक्सटेंड फ्रॉम स्लाइटली अबव द अपर बॉर्डर ऑफ द टार्सल प्लेट टू ए डिस्टेंस अबाउट 10 mm फ्रॉम द अपर लिम्बस एंड इज दस लोकेटेड एट द लेवल ऑफ सुपीरियर ओरिजिनल मार्जिन। ठीक है, इन्फीरियर क्या होता है? इट एक्सटेंड फ्रॉम स्लाइटली बिलो लोअर बॉर्डर ऑफ द लोअर टार्सल प्लेट टू ए डिस्टेंस अबाउट 8 mm फ्रॉम द लोअर लिम्बस एंड इज लोकेटेड नियर द इन्फीरियर ऑर्बिटल मार्जिन। नेक्स्ट आता है लेटरल फॉरनिक्स, इट इज ए स्मॉल कर्ल डी सैक विच एक्सटेंड, जो फैला हुआ होता है टू जस्ट बिहाइंड द इक्वेटर ऑफ द आईबॉल,
आईबॉल के जस्ट इक्वेटर तक एंड इज अबाउट 14 mm फ्रॉम द लेटरल लिम्बस। लेटरल लिम्बस से कितनी दूरी पर होता है, कितना डिस्टेंस मेंटेन करता है, 14 mm का। अबाउट 5 mm फ्रॉम द लेटरल कैंथस, जो लेटरल कैंथस होता है उससे 5 mm की डिस्टेंस पर होता है। आगे, इट इज ए सैलो कल डे शेक इन विच लाई द करेंकल एंड प्लीका सेमिलुनरिस डिप इन द पूल ऑफ टीयर कॉल्ड लैकस लैक्राइमेलिस या टीयर लैक बोलते हैं। लेयर ऑफ कंजक्टाइवा, लेयर ऑफ कंजक्टाइवा को हम एक पिक्चर की सहायता से समझते हैं। इसमें तीन लेयर होती है, एक होता है इपिथीलियम की, एक होता है एडिनोइड लेयर, एक होती है फाइब्रस लेयर। इपिथीलियम लेयर, एडिनोइड लेयर एंड फाइब्रस लेयर। इपिथीलियम लेयर की हम बात कर रहे हैं सबसे पहले। लेयर ऑफ इपिथीलियम सेल इन कंजक्टाइवा वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन, यानी ये क्या करता है, रीजन टू रीजन इपिथीलियम की लेयर वेरी करती रहती है। नेक्स्ट आता है गॉबलेट सेल आर प्रेजेंट इन बिटवीन द इपिथीलियम सेल इन द रीजन ऑफ कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा के रीजन में जो इपिथीलियम सेल होती है वहाँ पर गॉबलेट सेल प्रेजेंट होती है। मेलेनोसाइट आर फाउंड इन द कंजक्टाइवा आर लिम्बल फोरेनिक्स एंड करेंकल एट द साइट ऑफ द एंट्री ऑफ एंटीरियर सिलरी वेसल्स, यानी मेलेनोसाइट्स भी इसमें पाए जाते हैं। आगे आता है लैग्रेनर्स सेल्स भी इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। वे आर ओरिजिनली डिस्क्राइब इन द ह्यूमन एंड डेंड्राइटिक सेल्स इन द बेसल कॉर्नियल इपिथीलियम। नेक्स्ट आगे आता है एडिनोइड लेयर। एडिनोइड लेयर क्या करती है, ये क्या होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड लिम्फोइड लेयर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं। नेक्स्ट, इट कंसिस्ट ऑफ फाइन कनेक्टिव टिश्यू, इसमें क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू शामिल होता है, रेटिकुलम इन द मेसेस जाल लाइक स्ट्रक्चर ऑफ विच लाई लिम्फोसाइट। दिस लेयर इज मोस्ट डेवलप इन द फॉरेनिक्स, इट इज नॉट प्रेजेंट सिंस बर्थ, यानी बर्थ के समय यह लेयर नहीं पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एडिनोइड लेयर जो होती है वो 2 से 3 महीने के बाद डेवलप होती है, जब बच्चा 2 से 3 महीने का हो जाता है तब डेवलप होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, फॉर दिस रीजन कंजक्टाइवल इन्फ्लामेशन इन एन एडल्ट डज नॉट प्रोसीजर फॉलिकुलर रिएक्शन। नेक्स्ट आगे आता है फाइब्रस, फाइब्रस लेयर इट कंसिस्ट ऑफ द मेशवर्क ऑफ कोलेजिनस एंड इलास्टिक फाइबर, इसमें कोलेजिनस एंड इलास्टिक फाइबर का मेशवर्क बना होता है, जाल लाइक स्ट्रक्चर बना होता है। आगे, इट इज ए थिकर देन द एडिनोइड लेयर, ये एडिनोइड लेयर से मोटी होती है। दिस लेयर कंटेन, इसी में शामिल होता है वेसल्स एंड नर्व ऑफ कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा के अंदर जो नर्व होती है, वेसल्स होती है, इसी की उससे होकर निकलता है। नेक्स्ट आता है, इट ब्लेंड मिश्रण, है ना, मिश्रण करता है विद द अंडरलाइंग टेंशन कैप्सूल। टेनन कैप्सूल जो होती है हमारी स्क्लेरा की, उसके क्या होता है, बल्बर कंजक्टाइवा मिला हुआ होता है, ब्लेंड्स होता है उसमें। द एडिनोइड लेयर एंड फाइब्रस लेयर आर कलेक्टिवली नोन एज सबस्टेंसिया प्रोपिया ऑफ कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा की सबस्टेंसिया प्रोपिया जो लेयर होती है वो एडिनोइड लेयर यानी कि सेकेंड लेयर एंड थर्ड फाइब्रस लेयर दोनों को मिला करके बोला जाता है। कंजक्टाइवल ग्लैंड्स के बारे में, कंजक्टाइवल ग्लैंड्स जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, म्यूसिन सिक्रेटरी ग्लैंड जो म्यूसिन का सिक्रीशन करती हैं, और कुछ होती हैं एसेसरी लैक्राइमल ग्लैंड। तो जो म्यूसिन का सिक्रीशन करती हैं उनमें आ गया गॉबलेट सेल, क्रिप्स ऑफ हेनले या हेनलेस ग्लैंड्स बोलते हैं इसको, एक हो गया ग्लैंड्स ऑफ मंज, है ना, और एसेसरी लैक्राइमल ग्लैंड्स में आती हैं ग्लैंड्स ऑफ क्राउसेस, ग्लैंड्स ऑफ वॉल्फ्रिंग, इंट्रा ऑर्बिटल ग्लैंड, इसके बाद आता है ग्लैंड्स इन करेंकल, इसके बाद ग्लैंड्स इन प्लीका सेमिलुनेरिस। अब हम बात करेंगे गॉबलेट सेल क्या होती हैं। गॉबलेट सेल क्या होती हैं, दीज आर यूनिसेलुलर म्यूकस ग्लैंड, यूनिसेलुलर होती हैं। इट सिक्रीटेड म्यूसिन, म्यूसिन का सिक्रीशन करती हैं। म्यूसिन प्रोटेक्ट इपिथीलियम सेल ऑफ कंजक्टाइवा, म्यूसिन का काम क्या होता है, कंजक्टाइवा के इपिथीलियम को प्रोटेक्ट करता है एंड कॉर्निया एज वेल एज, है ना, एंड एनश्योर द टीयर फिल्म
स्टेबिलिटी, टीयर फिल्म की स्टेबिलिटी को भी गोबलेट सेल, द गोबलेट सेल आर राउंड आर ओवल इन शेप, इसका जो शेप होता है गोबलेट सेल का कैसा होता है, ओवल होता है या राउंड होता है। नेक्स्ट, ब्लड सेल प्रेजेंट बिटवीन द एपिथीलियम सेल इन ऑल रीजन ऑफ कंजक्टाइवा, कंजक्टाइवा के जितने रीजन होते हैं जहाँ पे एपिथीलियम सेल पाई जाती है वहीं पर क्या पाती जाती है, गोबलेट सेल पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट कंटेन प्रोमिनेंट गॉल्जी अपरेटस, एक देयर आर डिस्ट्रॉयड आफ्टर डिस्चार्जिंग देयर कंटेंट द म्यूसिन। इसके बाद हम बात करेंगे क्रिप्ट्स ऑफ हेनले या हेनलेस ग्लैंड कौन सी होती हैं, क्या करती हैं। चलिए, म्यूसिन ग्लैंड में है, ऑफ हेनले आर नॉट ट्यूब ग्लैंड बट फोल्ड ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, इट प्रेजेंट इन पल्पेब्रल कंजक्टाइवा बिटवीन द टार्सल प्लेट एंड फॉरेंसेस, दीज आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विथ ल्यूमिना, दीज रिसेम्बल लैबरकुन्स क्रिप्ट्स इन लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन में भी ये लैबरकुन्स क्रिप्ट्स पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ग्लैंड ऑफ मंज की, ये क्या होता है, दीज आर फाउंड इन लिम्बल कंजक्टाइवा इन एनिमल, पिग में, ऑक्स में है ना, ऐसे देयर एक्सटेंस इन ह्यूमन बीइंग कंट्रोवर्सल, ये ह्यूमन में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता भी इन कंट्रोवर्सी में है। ठीक है, इसके बाद जो ये ग्लैंड्स जितनी एसेसरी लैक्राइमल ग्लैंड्स है इन सब के बारे में हम कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लैक्राइमल अपरेटस उसमें आता है, उसमें ये सारी चीज़ें जानेंगे। ठीक है, अब इसके वेसल्स के बारे में पढ़ लेते हैं कौन कौन से होते हैं। वेसल्स जो होती हैं इसमें दो तरह, एक होती है आर्टरीज होती है, एक होती है वेन्स होती है। आर्टरीज में कौन कौन सी होती हैं, मार्जिनल आर्केड ऑफ आईलिड, आईलिड की जो आर्कड होती है उस पर मार्जिनल होती है, जैसे कि यहाँ पे देखिए मार्जिनल आर्कड हो गया, मार्जिनल पेरीफेरल यानी कि जो पेरीफेरल पे होगी ये वाली पेरीफेरल पे है। इसके बाद होती है एंटीरियर सिलरी आर्टरीज, कौन सी एंटीरियर सिलरी आर्टरीज होती हैं, कौन सी होती हैं, ये वाली होती हैं। नेक्स्ट आता है वेन्स, द वेन फ्रॉम द कंजक्टाइवा ड्रेन इनटू द वीनस प्लेक्स, मतलब क्या करता है, वेन का जानते ही नॉर्मली क्या होता है कि ब्लड का, ब्लड को इम्प्योर ब्लड को बाहर ले, मतलब हार्ट में प्योर करने के लिए ले जाता है। ए सर्कमो कॉर्नियल जोन ऑफ वेन अबाउट 5 to 6 mm फ्रॉम द लिम्बल ड्रेन इनटू द एंटीरियर सिलरी वेन, इसको एक पिक्चर की सहायता से हम यहाँ समझ सकते हैं। जैसे कि वीनस ड्रेनेज ऑफ कंजक्टाइवा दो तरीके से होता है, एक होता है पहले इधर वाला देखते हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे वेन्स फ्रॉम कंजक्टाइवा, कंजक्टाइवा से वेन्स में, फिर क्या होगा, वीनस प्लेक्सस ऑफ आईलिड होगा, फिर सुपीरियर इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन्स होगा, उसी तरीके से इधर होगा। थैंक यू। इसके बाद हम नर्व सप्लाई पढ़ेंगे, लॉन्ग सिलरी नर्व होती हैं इसमें, और सुप्रा ट्रोक्लियर नर्व, सुप्रा ऑर्बिटल नर्व होती हैं, फ्रंटल नर्व होती हैं, लैक्राइमल नर्व होती हैं, और लैक्राइमल नर्व क्या, और इंट्रा ऑर्बिटल नर्व होती हैं। तो जो लॉन्ग सिलरी नर्व होती है वो बल्बर कंजक्टाइवा को सप्लाई करती हैं, किसको करती हैं, बल्बर कंजक्टाइवा को सप्लाई करती हैं। और जो सुप्रा ट्रैक्लियर नर्व होती है वो किसको सप्लाई करती है, वो सुपीरियर पल्पेब्रल कंजक्टाइवा को करती है, सुपीरियर फॉरेनिक्स को करती है, एंड सुपीरियर पेरीफेरल 1/3 ऑफ बल्बर कंजक्टाइवा, बल्बर कंजक्टाइवा के 1/3 पार्ट को करती है। और क्या है, लैक्राइमल नर्व और भी करती है, लैक्राइमल नर्व जो होती है वो लेटरल इन्फीरियर पल्पेब्रल कंजक्टाइवा को सप्लाई करती है, सेकंड लेटरल फॉरेनिक्स को करती है, इन्फीरियर पेरीफेरल 1/3 पार्ट ऑफ बल्बर कंजक्टाइवा को करती है। इंट्रा ऑर्बिटल नर्व जो होती हैं वो क्या करती हैं, नेजल इन्फीरियर पल्पेब्रल कंजक्टाइवा को, नेजल फॉरेनिक्स को, एंड पेरीफेरल 1/3 ऑफ बल्बर कंजक्टाइवा, बल्बर कंजक्टाइवा के 1/3 पार्ट को भी ये सप्लाई करती हैं। थैंक यू वेरी मच।